I was chosen to be the guardian of my people, and underwent modification. I became Beta Ray Bill, the pinnacle of Corbinite genetics and technology. आपने बीटा रे बिल का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना, तो मैं बता दूं कि बीटा रे बिल कॉमिक्स में पहला कैरेक्टर था, जिसने थॉर के अलावा म्योनीर को उठाया था। और हाल ही में आए थॉर रैग्नारॉक के ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हमने बीटा रे बिल के चेहरे को ग्रैंड मास्टर के टावर पर देखा। तो इससे अच्छा क्या टाइम हो सकता है कि इस कमाल के कैरेक्टर की हम स्टोरी जान लें। बीटा रे बिल की स्टोरी की शुरुआत होती है उसके प्लेनेट कॉर्बिन से। यहाँ रहने वाले लोगों को कॉर्बिनाइट बोला जाता है। जब सर्टर फायर डिमन का राजा गैलेक्सी पे हमला करके सब कुछ जलाने लगता है, तो उसमें कॉर्बिन प्लेनेट को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। चारों तरफ आग ही आग होने के कारण कॉर्बिन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शुरुआत में तो वहाँ के लोग गर्मी सह लेते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ता है, वो सारे अपने जान बचाने के लिए प्लेनेट छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। इसके लिए वो हजारों स्पेसशिप बनाते हैं और अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने लोगों में से ही सबसे ताकतवर और भरोसे वाले को अपना चैंपियन घोषित करते हैं। वो चैंपियन रहता है बीटा रे बिल। फिर बीटा रे बिल को प्लेनेट के सबसे ताकतवर जानवर के साथ बायो इंजीनियर कर दिया जाता है, जिसके कारण वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और साथ ही एक घोड़े के जैसा दिखने लगता है। ये सब हो जाने के बाद सारे कॉर्बिनाइट्स प्लेनेट छोड़कर स्पेसशिप में आ जाते हैं, ताकि एक नया प्लेनेट खोज पाएं और अपनी बची जिंदगी आराम से बिता सकें। कई सालों तक वो इसी तरह स्पेसशिप में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के चक्कर काटते रहते हैं और एक दिन वो अर्थ के करीब आ जाते हैं। शील्ड की नजर इस शिप पे पड़ती है और निक फ्यूरी थॉर को चेक करने के लिए भेजता है कि इस शिप से उन्हें कोई खतरा तो नहीं। थॉर जैसे ही शिप के पास पहुंचता है तो देखता है कि ये तो एक वॉरशिप है जिसपे कई तरह के हथियार लगे हुए हैं। वो तुरंत शिप पे हमला करने की सोचता है, तभी उसके सामने आ जाता है बीटा रे बिल। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। थॉर के पास म्योनीर होने के बावजूद बीटा रे बिल उसे बराबरी का टक्कर देता है। लड़ाई के दौरान थॉर के हाथ से उसका हैमर छूट जाता है और बीटा रे बिल हैमर की तरफ बढ़ता है और बड़े आसानी से उसे उठा लेता है। फिर बीटा रे बिल नया गॉड ऑफ थंडर बन जाता है और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि जब बिना म्योनीर के वो थॉर को टक्कर दे सकता है, तो म्योनीर के साथ वो क्या क्या कर सकता है। हैमर उठाते ही बीटा रे बिल एसगार्ड में ओडिन के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। ओडिन और थॉर ये सब देखकर चौंक जाते हैं कि थॉर के अलावा भी कोई उस हैमर को उठा सकता है। इसके बाद बीटा रे बिल थॉर को उसका हैमर वापस करने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है वो अपने लोगों को इस हैमर से प्रोटेक्ट कर सकता है। ओडिन बोलता है कि इसका फैसला युद्ध से होगा, जो जिंदा बचेगा हैमर उसी का होगा। बीटा रे बिल भी ये बात मान लेता है और हैमर वहां रख देता है। फिर ओडिन दोनों को लड़ने के लिए एक बहुत ही बंजर जगह भेज देते हैं, जहां दूर दूर तक कोई लाइफ नहीं है और बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है। फिर थॉर और बीटा रे बिल में लड़ाई की शुरुआत होती है। लड़ाई में कई धमाके होते हैं, कई पहाड़ टूट जाते हैं, कई घंटों तक लड़ाई ऐसी ही चलती रहती है और आखिर में वहां की गर्मी थॉर पे हावी होने लगती है और वो थकने लगता है। जहां पे थॉर गर्मी के कारण थक रहा था, वहीं बीटा रे बिल को गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो कॉर्बिन प्लेनेट से है और उसे इतनी गर्मी की आदत है। थॉर हारने लगता है, लेकिन बीटा रे बिल को हैमर जीतने के लिए उसे मारना रहता है। फिर भी बीटा रे बिल ऐसा नहीं कर पाता। वो गिरे हुए थॉर को अपने कंधे पर उठाता है और ओडिन के सामने आता है। वो ओडिन को बोलता है कि थॉर अभी भी जिंदा है और मैंने अब तक जितनों से लड़ाई की है उनमें सबसे ताकतवर थॉर ही है। उसके बाद ओडिन से वो हैमर मांगता है। ओडिन कहता है तुमने अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन म्योनीर तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि तुम थॉर को मारने में असफल रहे हो। ओडिन फिर कहता है लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छे और बहादुर योद्धा हो, इसीलिए मैं तुम्हें तोहफे में कुछ देना चाहूंगा। ओडिन बोनो को हुक्म देता है कि उरु मेटल से फिर से म्योनीर जैसा हैमर बनाया जाए।
सारे बौने वैसा ही हैमर बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं स्टॉर्म ब्रेकर। इस हैमर की शक्तियां बिल्कुल मियोनिर जैसी ही रहती हैं। फिर बीटा रे बिल इस हैमर को ले लेता है और अपने लोगों का सबसे ताकतवर प्रोटेक्टर बन जाता है। तो ये थी बीटा रे बिल की ओरिजिन स्टोरी। इसके बाद बीटा रे बिल कई बार कॉमिक्स में दिखाया है, जैसे रैग्नारॉक कॉमिक सीरीज में वो सारे एस्गार्डियन के साथ मिलकर लड़ा है, गॉड किलर कॉमिक सीरीज में गैलेक्टस के साथ लड़ा है, एनहाइलेटर कॉमिक सीरीज में उसने सिल्वर सर्फर के साथ मिलकर एक टीम बनाई थी। मेरे हिसाब से तो बीटा रे बिल थॉर से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि एक तो वो कॉर्बिन प्लैनेट से है, फिर कॉर्बिन के प्लैनेट में सबसे ताकतवर वही है, उसके बाद उसे बायो इंजीनियर करके उसे और ताकतवर बनाया गया है, और अब तो उसके पास म्योनिर जैसा ही स्टॉर्म ब्रेकर भी है। मुझे तो लगता है कि थॉर के बाद उसे कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो यही कैरेक्टर है, लेकिन मैं ये सब आप पर छोड़ देता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या बीटा रे बिल थॉर से ज्यादा स्ट्रांग है या नहीं, और क्या कभी बीटा रे बिल थॉर को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी और ऐसे ही कंटेंट लेकर आप तक आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।